शाहिद अफरीदी टू पीएम मोदी, प्लीज दोनों देशों के बीच क्रिकेट होने दे, पाकिस्तानी दिग्गज पीएम से की रिक्वेस्ट। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारतीय पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच संबंध सामान रखने की दरख्वास्त। इस साल खेले जाने वाले एशिया कप को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने पहले ही साफ कह चुके हैं कि भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। BCCI के इस रुख के बाद एशिया कप कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि PCB पाकिस्तान ने एशिया कप को आयोजित करने पर अड़ा हुआ। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने बहुत ही बड़े प्यार से और कुछ मजाकिया अंदाज में भारतीय प्रधानमंत्री को दरख्वास्त करते हुए कहा कि PMG साहब क्रिकेट यहाँ होने दो। अफरीदी ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान में सुरक्षा का सवाल है, तो हमारे यहां हाल में कई इंटरनेशनल टीमों ने दौरा किया है, हमें भी भारत में सुरक्षा का खतरा रहता है, लेकिन अगर हम दोनों देशों की सरकार अनुमति मिलती है तो दौरे होंगे। इसके बाद अफरीदी ने बड़े ही प्यार से भरे और खुश मिजाज में लम्हे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरख्वास्त करते हैं कि मोदी जी साहब क्रिकेट यहाँ होने दो। शाहिद अफरीदी ने स्पोर्ट तक बातचीत करते हुए कहा कि अगर हम किसी की दोस्ती करना चाहते तो वो हमसे बात नहीं करे, तो हमसे हम क्या कर सकते हैं। इससे कोई शक नहीं है कि BCCI मौजूद बोर्ड है। जब आप मजबूत हों तो आपके पास ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आप ज़्यादा दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें और आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत है। क्या PCB कमज़ोर है? अफरीदी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि PCB को कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन सामने वाला भी रिस्पॉन्स आए, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ दोस्ती ना करना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ। अपडेट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होना चाहिए या नहीं।